बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 के मतों की गिनती का कार्य गया शहर के मानपुर प्रखंड स्थित जगजीवन कॉलेज के प्रांगण में चल रहा है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिन लोगों के पास निर्गत किया गया है वही लोग मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर जगह जगह बारिकेडिंग की गई है। गया के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM मतगणना स्थल पर कैंप कर रहे हैं। उनके द्वारा मतों की गिनती के कार्य का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं मतगणना को लेकर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों में गहमागहमी का माहौल है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि गया विधान परिषद सीट की बात करें तो इसमें 3 जिले क्रमशः गया, जहानाबाद और अरवल जिला शामिल है। तीनों जिलों के मतों की गिनती का कार्य जगजीवन कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है। मतगणना को लेकर कुल 14 टेबल बनाए गए हैं। मतों की गिनती को लेकर जगह जगह CCTV कैमरा लगाया गया है। दोपहर के बाद नतीजे एक एक करके आने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि गया सीट के लिए कुल 5 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से NDA की प्रत्याशी मनोरमा देवी और महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार नागेंद्र के बीच है। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएंगे वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। हालांकि चुनाव के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वहीं मतगणना कार्य को लेकर गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया है कि मतों की गिनती का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। प्रत्याशियों के सामने ही मतों की गिनती का कार्य हो रहा है। मतगणना को लेकर कुल 14 टेबल बनाए गए। धीरे धीरे चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इस मामला को लेकर डॉक्टर त्यागराजन SM DM गया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। सभी कैंडिडेट्स के सामने और ऑब्जर्वर के सामने आज जो MLC चुनाव का मतगणना कार्य है वो सभी कैंडिडेट्स के सामने और ऑब्जर्वर के सामने पारदर्शिता से प्रारंभ हुआ है और बारी बारी से अभी बंडल सब बना है। अभी थोड़ी ही देर में बहुत ही जल्दी जो फर्स्ट राउंड काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगा। स्मूथली चल रहा है। विधि व्यवस्था के लिए सारे लोग प्रतिनियुक्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जैसे परिणाम आएगा हम लोग अवगत कराएंगे। कितने टेबल बनाएंगे? 14 टेबल बनाएंगे। और कितने बंडल बनाए जाएंगे? ये बंडल जितना वोट है उसका 50-50 के बंडल बनाए गए हैं। अभी जो काउंटिंग का परिणाम फर्स्ट राउंड का जैसे आएगा आपका अवगत कराएंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।